एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे और इसलिए जो हमारा दिन है थोड़ा अलग टाइप से स्टार्ट हो रहा है, वरना अभी तक तो कुक आके खाना बना करके जा चुकी होती और मालिश वाली आ चुकी होती, बेबी नहा चुका होता, सब कुछ अलग हो रहा होता। पर संडेज को जो है रूटीन हमारा एकदम ही अलग होता है। तो मैं जो आज ये ब्लॉग कर रही हूँ, एक्चुअली ये ब्लॉग तो है नहीं, टाइटल में तो आपने देखा ही होगा, बेबी का फेस रिवील इस वाले ही वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्यों ना पहले की तरह वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो चाय के साथ स्टार्ट करती हूँ, चाय बना रही हूँ अभी। तो एकदम ही अलग रूटीन है, नॉर्मल डेज में कैसा होता है वो कभी मैं आपको बताऊंगी, पर संडेज को जो है एकदम रिलैक्स वाला है। एनीवेज बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग वाला ये वीडियो है, क्योंकि बेबी का फाइनली फेस रिवील हम लोग करने वाले हैं। आप लोग मेरे से आई थिंक फर्स्ट डे से ही आ गया था, फेस कब दिखाओगे, फेस कब दिखाओगे। पर बच्चों का ना फेस बहुत बदलता है। मैं भी इनफैक्ट जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे लगता है मुझे भी रियलाइज हो जाएगा कि पहले जैसा ये दिख रहा था उससे थोड़ा सा अलग 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 होते जाते हैं बच्चे ना। फाइनल कैसे दिखेंगे आई डोंट नो, शायद फिफ्थ मंथ या सिक्स मंथ पे जाके पता चलता है। पर जो भी है, जितने भी मैंने क्लिप्स लिए थे मैं इस वाले वीडियो में ऐड कर दूंगी, और जो अभी जैसा दिखता है बेबी वो तो दिखाई दूंगी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ब्लॉग की तरह थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए, आप लोग भी मिस कर रहे होंगे। पिछले वाला वीडियो में मैंने सारा कुछ शेयर कर दिया था कि डिलीवरी कब हुई थी सब कुछ, अगर आप नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एंड और भी अच्छी बात यह है कि आज नवरात्रों का फर्स्ट डे है, तो सभी को पहले तो हैप्पी नवरात्रि। फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसके लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सिर्फ मैं नहीं, अंगद भी, और अंगद भी मुझे ज्वाइन करेगा थोड़ी देर में, एंड आप लोग भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है मुझे पता है। तो बेबी का फेस देखने के लिए उसके बाद आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको, बेबी का फेस मेरे जैसा है या अंगद जैसा है। वैसे अभी जैसा कि मैंने कहा कि फेस बहुत बार चेंज होता रहेगा, फिर भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे मुझे पता है किसकी तरह दिखता है, क्योंकि अभी तक तो जितने लोगों ने भी देखा है उन्होंने मुझे वही बताया है, बाकी आप लोग बताइएगा। फिलहाल चलिए मैं आपसे मिलवाती हूँ अंगद को, और दोनों साथ में मिलकर बेबी का फेस रिवील करते हैं। लेकिन उससे पहले कि बेबी अभी कैसा दिखता है वो दिखाने से पहले मैं आपको उसे शेयर करना चाहूंगी कि फर्स्ट डे से बेबी कैसा दिख रहा था। तो फर्स्ट डे से जो भी मैंने उसके छोटे मोटे क्लिप्स लेके रखे थे, पहले आप वो देख लीजिए सारे स्पेशल मोमेंट्स वाले क्लिप्स, बाद में हम लोग आपको दिखाते हैं कि आज कैसा दिख रहा है हमारा स्वीट। What is the name you decided? Neem. 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 अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ देखे ही जा रहा है।
टेडी बेयर है। ये किसका टेडी बेयर? अरे पेंगुइन भी है। हाँ पेंगुइन भी है। अरे वाह, तो बहुत सुंदर टेडी बेयर है, बहुत सुंदर पेंगुइन है भाई, बहुत ही क्यूट है। हाँ बहुत ही क्यूट है भाई। वाह वाह, तो बहुत अच्छा लग रहा है। किसे देख रहा है, किसे देख रहा है तुम्हारा मोबाइल को? बता, मछली तो पानी में रहती है ना, दूसरा पॉन्ड में कैसे लेके जाएगा? कौन उसको उठा के दूसरा पॉन्ड में लेके आएगा ताकि वो नए फ्रेंड से मिल पाए? ऐसे तो कैसे हो पाएगा? अंगद बताएगा, अंगद क्या लगता है तुम्हें बेबी की शक्ल किससे मिलती है? 100% लोग, जितने लोगों ने भी फेस देखा है सब लोग बोलते हैं मेरे जैसी शक्ल है। पर पता नहीं, मुझे तो वैसा कुछ नहीं लग रहा है, मुझे एकदम डिफरेंट लग रहा है। ना मेरे जैसा ज़्यादा, ना सोना जैसा ज़्यादा। सोना का तो एकदम लंबा ओवल फेस है, मेरा पर ऐसा स्क्वेयरिश फेस नहीं है। लेकिन मॉम डैड आए थे तो उन लोगों ने भी बोला है कि अंगद बचपन में ऐसा ही दिखता था। मैं ऐसा दिखता था, तो फिर तो मुझे और इतना रिकॉल नहीं हो रहा है मेरा बचपन का। नहीं, अंगद के पेरेंट्स से ज्यादा बड़ा प्रूफ क्या होगा? अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर हो गया ना कि बेबी अंगद की तरह। मैं इसमें मेरे फीचर्स ढूंढते रहता हूँ, ऐसा तो क्या है जो मेरे से रिजेंबल करता है। पता सब लोग क्या बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं जो कट आया ना बेबी का, नीचे का जो चिन का जो कट आया, जॉ लाइन जो है, हाँ वो अंगद की तरह है। सबसे पहले तो फिर फेस कट भी राउंड है, तो वो भी तुम्हारी तरह है। और नाक का नहीं चल रहा है पता अभी तक, नाक धीरे धीरे पता चलेगा। आईलैशेस मेरे जैसा आ रहा है, और आंखें, आंखों का क्या बोलोगे? आंखें भी थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत है ना, ओवरऑल सब कुछ कवर हो ही गया। नहीं देखिए अंगद मान गया ना, धीरे धीरे करके बोला तो बस अंगद की तरह ही दिखे तो बहुत ही अच्छा मुझे तो लगेगा आपको।
और हाइट वाइट भी अंगद की तरह आ जाए तो और भी अच्छा लगेगा। बाकी ये हो गया बेबी, स्माइल कर रहा है थोड़ा थोड़ा, स्माइल स्माइल। कैमरा फ्रेंडली तो इसको होना ही रहेगा ना, जब तक ये मेरे पेट में था व्लॉगिंग किया है मैंने। स्माइल, कौन देखने आया है मुझे भाई, कौन देख रहा है बेबी तुम्हें, सबको हाय बोल दो। कितनी सारी नानी माँ, दादी माँ, मौसी और क्या क्या चाची कितने सारे लोग आए हैं, हेलो बोल दो। एकदम ही नींद में है, बड़ा अच्छा लगता है ये विजुअल देख के मुझे जब ये सोता है ठीक है, और बेबी को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर थोड़ा सा मेरी गोदी में दे दो, मैं भी जरा गोदी में लेके बात कर लूं सबसे भाई। बेबी को फाइनली आप लोगों ने देख लिया, अभी बिल्कुल नींद में है, और मैं ये चाहती थी कि नींद में हो तो क्या है, आराम से बातें हो सकेंगी, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। अरे स्माइल दे रहा था, अभी स्माइल दे रहा था, तुम सुन रहे हैं क्या सब अभी स्माइल दे रहा था, तो किसकी तरह फेस दिखता है बताइएगा कमेंट करके। सब लोग अभी तक तो एक ही बात बोल रहे हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि फेस रिवील हो चुका है ना, तो व्लॉग्स अभी बनाने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। हाँ, बहुत एडिटिंग में, बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, एडिटिंग में मेनली। तो अभी व्लॉग जो है मैं कोशिश करूंगी बनाती रहूं, हफ्ते का 3 दे पाऊंगी या 2 दे पाऊंगी वो तो आगे देखती हूं मैं कैसा रहता है, क्योंकि मेरा अभी ना सबसे बड़ा प्रायोरिटी जो है वो बेबी है, और इसीलिए मैंने 1 मंथ का छुट्टी भी ले ली थी काम से, पर अब क्या है काम में वापस आना भी है, आप लोगों भी बहुत मिस कर रही हूँ, और वापस से व्लॉगिंग जर्नी शुरू करनी है, तो धीरे धीरे करके बैक ऑन ट्रैक आने की कोशिश करेंगे, बस ये सपोर्ट करता रहे, बाय बोल दो सबको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हम लोग मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोज को देखते रहिए, बाय बाय।